Guys, welcome back to my channel. This is Himanshu Sharma, and first of all, I would like to say thank you so much, guys, for your love and support. So, and I'm sorry also, guys, क्योंकि वीडियो को अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया. एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, गाइज, मैं थोड़ा अपनी प्रिपरेशन में बिजी था, बिकॉज मेरा बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप आ रही है एक या दो महीने बाद. सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट कॉम्पिटिशन. सो आई वॉन्ट टू से थैंक यू, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से आई एम सॉरी फॉर दिस वीडियो. एंड मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर प्लीज़ एक लेग्स पे कोई वीडियो बनाइए, हमारी लेग्स ब्रॉड नहीं हो पा रही है, एंड हम बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं, एंड हमारा वर्कआउट शेड्यूल भी बहुत अच्छा है. सो क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारी जो लेग्स हैं वो ब्रॉड नहीं हो पा रहे हैं, एंड हम उस पर हैवी वेट नहीं लगा पा रहे हैं. सो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आज आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ सारे वर्कआउट, उनका पोस्चर, टेक्निक्स, एंड वेट को कैसे एडजस्ट करना है, कितने रेपिटेशंस निकालने हैं. सो गाइस, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ, बट गाइस उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू से कि सबसे पहले वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले सपोज़ कीजिए, आज आप मसल्स जो आप ले रहे हो वो लेग्स हैं, आप लेग्स मसल्स को ट्रेन करने वाले हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेग्स जो होती हैं हमारी बहुत बड़ी मसल्स होती है हमारी. सो उसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी मसल्स को ट्रेन करने से पहले अपनी मसल्स को एक्टिवेट करना पड़ता है. एक्टिवेट इसलिए करना पड़ता है गाइस, क्योंकि जब भी आप मसल्स पे लोड डाल रहे हो, सडनली अगर आप उस पे हैवी लोड डाल देते हो, सो मसल्स कंफ्यूज होती हैं, उस टाइम पे उतना लोड नहीं ले पाती हैं. सो उसके लिए हमें मसल्स को सबसे पहले एक्टिवेट करना पड़ता है. उसके लिए आपको वार्म अप करना पड़ता है, थोड़ी मसल्स को स्ट्रेच करना पड़ता है, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना पड़ता है. आपके जो फ्लेक्सर्स होते हैं, आपके क्वैड्स होते हैं, लाइट वेट के साथ स्क्वाट्स लगाइए, बार के साथ लगाइए, सिंपल नॉर्मल स्क्वाट्स लगाइए, अच्छे से वार्म अप कीजिए. उससे क्या होगा, आपकी मसल्स अच्छे से खुल जाएंगी, स्ट्रेचिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, उससे आप ईजिली हैवी वेट लगा पाओगे. एंड सबसे बड़ी बात, इसमें आपके इंजरी के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं. तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वार्म अप अच्छे से कीजिए. वार्म अप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मसल को ट्रेन करने के लिए. सो ये हो गया हमारा सबसे पहला स्टेप. उसके बाद अब हम शुरू करते हैं टेक्निक के बारे में, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. बहुत लोग बोलते हैं कि सर वेट, हम जैसे हैवी वेट लेते हैं सो हमारी टेक्निक उसमें ख़राब हो जाती है, हमारा पोस्चर ख़राब हो जाता है. सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले लाइट वेट के साथ में अपनी टेक्निक को सुधारिए. जब तक आपकी टेक्निक अच्छी नहीं होगी, जब तक आपका पोस्चर अच्छा नहीं होगा, तब तक आप वहाँ तक नहीं जा सकते हो. वहाँ तक जाने के लिए आपको अपनी टेक्निक पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. चाहे आप उसके साथ में लाइट वेट के साथ में उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए. अगर जब आपको लगे कि हाँ मेरा यहाँ पे पोस्चर एकदम से ठीक है, देन उसके बाद में आप थोड़ा वेट इंक्रीज कर सकते हो. सो यहाँ पर टेक्निक की बात कर रहे हैं हम, टेक्निक आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप आगे जा पाओगे. सो थर्ड स्टेप, अब हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी होगी हमें. हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करना है, क्वैड्स को ट्रेन करना है, ग्लूट्स को ट्रेन करना है, बहुत सारी मसल्स होती हैं हमारी. सो कौन कौन सी मसल्स को कब और कैसे ट्रेन करना है, सो वो मैं आज आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ. सो प्लीज़ गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड आई एम श्योर कि आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में आप देख पाओगे कि आपकी लेग्स बहुत जल्दी ब्रॉड होना स्टार्ट कर देंगी, एंड इजीली आप हैवी वेट लगा पाओगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, गाइस. तो सबसे पहले हम यहाँ पे वार्म अप स्टार्ट करते हैं अपना, नॉर्मल जंपिंग करेंगे. थोड़ा लोअर बैक को हम स्ट्रेच करेंगे. हैमस्ट्रिंग्स को हम स्ट्रेच करेंगे, एंड फ्लेक्सर्स को भी थोड़ा स्ट्रेच करेंगे. एंड नाउ हियर वी आर स्ट्रेचिंग अवर क्वैड्स.
मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए ताकि आपको किसी भी तरह की इंजरी ना हो। फ्रंट बेंडिंग, सो फर्स्ट स्टेप, अब हम यहाँ पे 20 स्क्वाट्स लगाएंगे, 3 स्क्वाट्स थोड़ा डीप लगाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो जो यहाँ पे आपका पोस्चर होगा स्क्वाट्स का वो देख लीजिए, आपको लेग्स को ना ज़्यादा वाइड रखना है ना ही ज़्यादा क्लोज रखना है, अपने शोल्डर से थोड़ा सा बाहर रखना है और आपके जो फीट्स होंगे वो थोड़ा आउट शेप में होंगे, अंदर नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बाहर होनी चाहिए ना, सीधा होना चाहिए। तो मेरी बैक का पोस्चर देखना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो ये 20 स्क्वाट्स जो मैंने लगाए हैं, इसके आपको 2 सेट्स लेने हैं, ये बहुत ही अच्छे से आपकी मसल्स को एक्टिवेट कर देगा। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज, चलते हैं स्क्वाट्स पे, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, अब हम यहाँ पे थोड़ा पोस्चर की बात कर लेते हैं, क्या टेक्निक होनी चाहिए। सो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए आप मेरी बैक को देखना है, मेरी बैक थोड़ा स्ट्रेट रहेगी एंड लोअर बैक है जो वो थोड़ा कर्व रहेगी। आप जो गलतियाँ करते हो वो क्या करते हो, आप अपनी बैक को इस वे में लेके जाते हो, आपका जो फ्रंट पोस्चर है जो चेस्ट है वो नीचे की तरफ चली जाती है, बट आपको ये नहीं करना है, आपकी बैक ऐसे होनी चाहिए स्ट्रेट, इससे आपको कोई इंजरी नहीं होगी। अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी इंजरी 100% आपको इंजरी हो सकती है एंड जो पुश आपको मिलना होता है, जो मसल्स आपको पुश करती हैं ऊपर जाने के लिए, वो मसल्स आपकी यूज में नहीं होती हैं। तो चलो करके दिखाता हूँ आपको। लेग्स को आपको इतना वाइड रखना है एंड ब्रीथ इन दिस दिस, ये टेक्निक होनी चाहिए आपकी। अब गाइस, यहाँ पे आपको वेट कैसे एडजस्ट करना है, कितना वेट लगाना है, सो मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा रेपिटेशंस, अगर आप मसल्स बिल्डअप कर रहे हो तो कम से कम 10 से 12 रैप आपके आने चाहिए। अगर आपके 10 से 12 रैप नहीं आ रहे हैं, यानी कि लास्ट के 4 रैप में आपकी मसल फेल नहीं हो रही है, सो इट मीन्स आपका जो वेट है, जो आपने वेट एडजस्ट किया हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है, उसको आप वार्म अप में कन्वर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट उसमें थोड़ा वेट इंक्रीज कीजिए एंड देन जब आपको लगने लगे कि आपके 8 या 10 रैप बहुत ही टफ आए हैं एंड लास्ट के 3 या 4 रैप्स में आपकी मसल्स फेल हो चुकी है, वहाँ से अपना फर्स्ट सेट काउंट कीजिए, वो आपको हेल्प करने वाला है मसल्स को ग्रो करने में। अदरवाइज कोई आपका, चाहे आप 6 साल से लग रहे हो जिम में, चाहे आप 6 महीने से लग रहे हो, चाहे कितना भी टाइम हो गया हो एंड कितना भी वेट ले रहे हो, बहुत लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वेट लगा लेते हैं इतना ज़्यादा, 2-2, 3-3 रैप्स निकालते हैं, वो मसल बिल्डअप नहीं करती है यार, क्योंकि मसल्स पे लोड ही नहीं आ रहा है, आप मसल्स पे लोड ही नहीं डालते हो। जब आपकी मसल्स फेल होने को जाती हैं उस टाइम पे आप वेट को ड्रॉप कर देते हो, वेट को छोड़ देते हो। एक सिचुएशन आती है जब आपके 2-3 सेट हो जाते हैं, इसके 2-3 सेट होने के बाद जो आपका लास्ट सेट होता है उसमें हमारी मसल्स थोड़ा थक जाती है, आप उतना वेट उतना पुश नहीं कर पाते हो, क्योंकि वेट थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है जिसकी वजह से आपको प्रॉपरली पुश नहीं मिलता है मसल्स को। सो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर आपके उस लास्ट सेट में आपके 8 रेपिटेशंस निकल गए हैं, यानी कि 8 रैप्स के अंदर आपकी मसल्स फेल हो चुकी है बहुत अच्छे से एंड आपको लग रहा है कि अब आपका जो 9th रैप वो नहीं आने वाला है, सो उस सिचुएशन में आपको ड्रॉप सेट लगाना है, वो हेल्प करेगा आपकी मसल्स को ग्रो करने में। सो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज।
अब वेट आप अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपकी कितनी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग लगाना है। बस एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि आपकी लास्ट के 3 या 4 रेपिटेशंस में मसल्स फेल हो जानी चाहिए। अगर आपकी मसल्स फेल नहीं होती हैं तो आप लाइफ में कभी अपनी मसल्स को बिल्डअप नहीं कर सकते हो। फिर चाहे आप वो लेग्स लगा रहे हो, चाहे आप चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो, चाहे बाइसेप्स या ट्राइसेप्स को ट्रेन कर रहे हो, कोई भी मसल्स आपकी ग्रो नहीं होगी, बिल्डअप नहीं हो सकती है। बॉडी बिल्डिंग किसको कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग इसी को ही कहते हैं, लास्ट के 3 या 4 रेप्स में जो आपकी मसल फेल होती हैं उसी को हम बॉडी बिल्डिंग कहते हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो है लेग प्रेस। इसके आपको 4 सेट लगाने हैं और रेपिटेशंस आपकी 12 होनी चाहिए। वेट का मैंने आपको बता ही दिया है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेग प्रेस। सो गाइस, यहाँ पे आपकी जो टेक्निक होनी चाहिए इसमें आपको क्या करना है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई ये लेग प्रेस है, सेम वेट एडजस्ट आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने लास्ट अभी पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया था। अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वही सेम आपका रूटीन जो था लास्ट में वही होने वाला है। मसल्स को फेल करना है लास्ट के 3 या 4 रेप्स में। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ लाइट वेट के साथ आपको टेक्निक बता रहा हूँ, वेट आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, लेग प्रेस लगाने के भी बहुत तरीके होते हैं। यहाँ आप अपने लेग्स को पैरेलल कर सकते हो, थोड़ा वाइड भी कर सकते हो एंड थोड़ा क्लोज भी कर सकते हो। तीनों का अलग अलग काम है, तीनों का अलग अलग मसल्स को टारगेट करती है, सेम मसल्स को कोई टारगेट नहीं करती, तीनों का अलग काम है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर जो मैं ले रहा हूँ वो अपने लेग्स को पैरेलल ले रहा हूँ। आप चाहे तो उसको वाइड कर सकते हो आउटर के लिए, क्लोज करोगे तो इनर के लिए, एंड अगर आप पैरेलल कर रहे हो तो आपको जो आउटर क्वैड्स है उनको टारगेट करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी जो लोअर बैक है उसमें थोड़ा कर्व होना चाहिए, थोड़ा कर्व होना चाहिए जिससे आपको लोअर बैक में इंजरी ना हो एंड आपके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, क्वैड्स इन सब पे इजीली आप वो टारगेट कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत से लोग गलती करते हैं शो ऑफ करने के लिए, वेट को इतना एडजस्ट कर ले, इतना लगा लेंगे वेट को, प्लेट इतना लगा लेते हैं एंड ऐसे ऐसे करते हैं। ये क्या है, ये मसल्स में तो आपका लोड आ ही नहीं रहा है, मसल्स लोड ही नहीं ले रही आपकी। मसल्स कब लोड लेगी, कैसे लेगी, ये देखिए। जब आप इसको पूरा मसल्स को स्ट्रेच करते हो एंड देन फ्रेंड, अब आपकी मसल्स ने लोड लिया है। ये मसल्स कभी लोड नहीं लेती है इसमें, इस वे में कभी लोड नहीं लेती है। चाहे आप यहाँ पे 1000 kg वेट एडजस्ट कर ले, 500 kg लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अब बल्कि आपकी जो नीज़ हैं इंजरी हो सकती है आपको, लोअर बैक में इंजरी हो सकती है आपको। सो सबसे पहले ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पूरा मसल्स को इनको एंगेज करना है, पूरा खींचना है एंड देन प्रेस प्रेस। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं लोग, वो नीज को लॉक कर देते हैं इस तरीके से, नीज को लॉक कर देते हैं। नीज को कभी लॉक मत करना, शायद आपने वो वीडियो देखी होगी, उसमें क्या होता है वो वेट इतना ज़्यादा ले लेता है वो बंदा एंड उसका जो लेग है ऊपर से आके नीज जो उसके अंदर की तरफ चले जाते हैं एंड टूट जाता है पूरा पैर, बिल्कुल एकदम अलग हो जाता है। सो कभी भी नीज को लॉक नहीं करना है, नीज को कभी लॉक नहीं करना है। ये आया एंड देन प्रेस एंड देन प्रेस एंड देन प्रेस। कभी भी ज़्यादा टाइम का रेस्ट नहीं लेना है, कंटिन्यूसली क्या करना है, मसल्स को टेंशन में रखना है। ये मसल्स आपकी टेंशन में होनी चाहिए, रेगुलर टेंशन में। आप जब लॉक कर देते हो तो यह क्या होता है, मसल्स रेस्ट में आ जाती है, आपकी मसल्स को रेस्ट मिल जाता है। सो वो मसल्स को रेस्ट में नहीं रखना है, जो आपने लास्ट में जो रेपिटेशंस निकाली हैं आप फेलियर तक नहीं पहुंच पाओगे। जो हमारा टारगेट था लास्ट के 4 या 5 सेट में अपनी मसल्स को फेल करना, वो नहीं हो पाएगा। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सो ये थी हमारी लेग प्रेस की टेक्निक। इस पर भी आपको वही अपना सेम वेट एडजस्ट करना है, लास्ट के वे जो आपका रेपिटेशन है 4 या 5 रेपिटेशंस उसमें आपकी मसल्स फेल हो जानी चाहिए। एंड सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है यार स्क्वाट्स, लेग प्रेस। ये हमारी मोस्टली बहुत सारी जो मसल्स होती है उनको ट्रेन करता है, उनको टारगेट करता है एंड यही वो एक्सरसाइज है जो आपकी ओवरऑल लेग्स को ब्रॉड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एंड आपकी इवन स्ट्रेंथ को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, वो भी बहुत कम टाइम। सो गाइस चलिए थर्ड एक्सरसाइज पर हम चलते हैं, लेग कर्ल। तो बेसिकली गाइस आप लेग कर्ल आपको पता ही होगा इसके बारे में, आप चाहो तो मशीन्स के साथ भी इसको ले सकते हो, बट यहाँ पे मैं डंबल का यूज़ कर रहा हूँ
ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप चेंज कर सकते हो वीक में एक बार, आप ये ले सकते हो डंबल्स के साथ में, दूसरा मशीन के साथ में ले सकते हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मसल्स को बहुत ही जल्दी एंड बहुत ही अच्छे से उस मसल हैमस्ट्रिंग को जो है वो हमारी मसल, जिस मसल को हम ट्रेन कर रहे हैं बहुत अच्छे से टारगेट करता है। सो यहाँ बेसिकली आपको करना क्या है, थोड़ा बेंच को इतनी शेप में टेंट करके रखना है एंड डंबल को लेना है, अपने लेग्स के बीच में आपको फंसा लेना है इस तरीके से। आप चाहें तो किसी की हेल्प ले सकते हैं एंड 20 रेपिटेशंस आपको इसके लगाने हैं। नीचे लेके जाइए एंड नेक्स्ट स्क्वीज, ज़्यादा सीधा नहीं करना है लेग्स को, एंड नेक्स्ट स्क्वीज, चलिए किया स्क्वीज, ये पोस्चर आपका होना चाहिए, ये आपके हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट करेगा एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है गाइस, मस्ट ट्राई दिस एक्सरसाइज। ओके सो गाइस, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है लेग स्टिफ डेड लिफ्ट। गाइस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड बहुत ही हेल्पफुल है, ये आपकी ऑलमोस्ट लेग्स की सभी मसल्स को टारगेट करता है, आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपके क्वैड्स, आपके काफ, आपके लेग्स, इरेक्टर्स, सबको बहुत अच्छे से ट्रेन करता है सब पे एंड बहुत इजीली आप जैसे कभी इसको ट्राई करोगे ना तो आपको खुद को फील होगा लाइक लोअर बैक, योर ग्लूट्स एंड योर हैमस्ट्रिंग्स, योर क्वैड्स, सब पे आपको फील होगा कि वो सारी मसल्स को ये जो एक्सरसाइज है वो टारगेट कर रही है एंड बहुत ही हेल्पफुल है आपकी डेडलिफ्ट एंड आपकी स्क्वाट्स, इन सब को इनके स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो प्लीज़ ज़रूर कीजिए इसको, बट एक चीज़ का भी ध्यान रखना है, जो एक्सरसाइज मैंने आप आज आपको बताई है हर रोज़ सेम नहीं यूज़ करनी है आपको, सेम वर्कआउट शेड्यूल आपका नहीं होना चाहिए, वर्कआउट थोड़ा चेंज करके करना चाहिए। इसको आज आपने लेग प्रेस लगाई है सो उसकी जगह आप लेग कर ले लीजिए, उसको चेंज करते रहना है, स्क्वाट्स लगाई है सो नेक्स्ट टाइम में आप फ्रंट स्क्वाट्स ले लीजिए। सो सेम कोई भी आपको वर्कआउट रिपीट नहीं करनी है, थोड़ा चेंजिंग करते रहना, वेरिएशन होना चाहिए उसमें। सो बहुत ही हेल्पफुल है, ट्राई करते हैं एंड इसका जो पोस्चर होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, कैसे करनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेम यहाँ पे भी आपको वही चार सेट लेने हैं एंड जो रेपिटेशन होनी चाहिए वो आपकी 12-16 रेपिटेशन आपकी होंगी। यहाँ पे सेम मसल्स को टारगेट करना है एंड मसल्स फेल होनी चाहिए आपकी, सेम शेड्यूल सेम रूटीन। सो लाइक सर यहाँ पे आपके जो नीज हैं वो बिल्कुल लॉक नहीं होंगे, थोड़ा आपको यहाँ पे उनको बेंड करके रखना है, ये गए देखिए, हैमस्ट्रिंग को पूरा स्ट्रेच करना है यहाँ पे, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी मसल्स आपकी यूज हो रही हैं। दूसरी मिस्टेक जो आप करते हो वो आप बॉडी से बुखार को बहुत ही ज़्यादा दूर रखते हो, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है लिफ्ट करने के लिए। एंड तीसरी जो मिस्टेक होती है वो आपकी होती है लोअर बैक की, वो लोअर बैक आपकी इस तरीके से होती है, पूरी बैंड नहीं होती, उसको कर्व शेप में लेके आना है लाइक दिस, बार को क्लोज लेके आए लेग्स के एंड चेस्ट का दिस, फील करना है मसल्स हैमस्ट्रिंग्स को, स्ट्रेच करना है प्रॉपरली। यहाँ आप कुछ रेपिटेशंस के बाद खुद फील करोगे कि आपकी जो हैमस्ट्रिंग्स हैं वो आपकी स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज एंड इसके बाद हम काफ्स लगाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है काफ्स, कुछ लोग लेग्स को ट्रेन करके काफ्स लगाना भूल जाते हैं। सो काफ्स आप बेसिकली कोई भी 2 या 3 एक्सरसाइज ले सकते हैं। सो ये थी आज की हमारी वीडियो गाइस, मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कीजिए, आगे लेके जाइए, लोगों को बताइए, जो लोग लेग्स लगाते टाइम मिस्टेक करते हैं, उनका टेक्निक जो है, उनका जो पोस्चर है वो ठीक नहीं है एंड वो चाहते हैं कि यार उनका भी लेग्स जो हैं बहुत जल्दी से ब्रॉड हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और अगर वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कोशिश करूँगा यार कि इससे भी आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ एंड जितना भी मैंने आपको आज बताया है, जो भी मैंने आपको नॉलेज दी है या फिर जो भी कुछ आपको बताया है, अगर अच्छा लगे
सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे मेरी कोई भी नई वीडियोस अपलोड हो सो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करते रहना गाइस. थैंक यू सो मच.